बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज आपके कोर्स का 15वां लेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो पिछले लेक्चर की समरी कुछ इस तरह है जी कि हमने इसमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया। हमने nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की और फिर उसकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कैसे, और फिर उसके बाद उस होमोजीनियस इक्वेशन से जो जनरल सॉल्यूशन हासिल होता है वहां से हम y1, y2, yn जो उसके सॉल्यूशंस हैं होमोजीनियस इक्वेशन के उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने देखा कि उसका रॉन्सकीयन कैसे कैलकुलेट करते हैं, W1, W2, WK तक या N तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो अननोन फंक्शंस होते हैं U1, U2, UK उनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो उसमें fx को आइडेंटिफाई करना होता है, चूंकि वो fx जो है वो w1 w2 जो हमने कैलकुलेट करने होते हैं उसमें w1 के लिए जो पहला कॉलम होता है हमारे रॉन्सकीयन का उसमें वो कॉलम रिप्लेस होता है, इसी तरह बाकी w's की वैल्यूज के लिए जो है वो रॉन्सकीयन की जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर वो कॉलम जो है रिप्लेस होना होता है। तो उसमें fx को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट था, ये सीखा। इसके बाद हमने जी बात की हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो उसमें काशी आयलर इक्वेशन हमने डिस्कस की। तो काशी आयलर इक्वेशन की फॉर्म थी कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसी ऑर्डर की वेरिएबल टर्म मौजूद होगी, या उसकी डिग्री जो होगी उस वेरिएबल टर्म की वो भी वही होनी चाहिए। तो उसमें था जैसे अगर d2y/dx² वाली डेरिवेटिव वाली टर्म है तो उसके साथ जो वेरिएबल कोफिशिएंट होगा वो x² है, और फर्स्ट ऑर्डर जो टर्म है उसके साथ x होगा। तो इस तरह की इक्वेशन जो है उसको हमने देखा कि वो काशी आयलर इक्वेशन कहलाती है, और उसका सॉल्यूशन हमने फिर जो है वो फाइंड करना सीखा कि उसके होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और फिर हमने नोट किया कि उसमें जो सॉल्यूशन है उसकी शक्ल y=x^m होती है, और फिर हमने जब उसको जो है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा तो उसमें देखा कि उसके सॉल्यूशंस किस तरह लिखते हैं। जब रिपीटेड रूट्स हो तो log of x अपीयर होता है, इसी तरह जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो उसमें cos बीटा x की बजाय cos बीटा log x, और इसी तरह sin बीटा log x अपीयर होते हैं। इसी तरह फिर हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखा कि जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स हों, तो उसमें यह है कि होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, वो काशी आयलर इक्वेशन थी, और उसका सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर हम वेरिएशन ऑफ जो पैरामीटर्स मेथड है उसकी मदद से उसका yp फाइंड करते हैं, और इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये चंद ब्रीफली बातें मैंने बता दी जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। उम्मीद है कि आपने पिछले अपने लेक्चर को रिवाइज किया होगा, उसको अच्छी तरह पढ़ा होगा, और उसमें रिलेटेड एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस भी की होगी। मैंने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व की थी, ताहम आपने भी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया होगा और फर्दर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया होगा। तो देखते हैं जी कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली अब आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है, और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसमें हम मॉडलिंग विद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। देखिए, हमने जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की तो उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी कि वो किस तरह के सिचुएशंस में अपीयर होती हैं और उनकी मॉडलिंग कैसे होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो हमने वहाँ ग्रोथ और डिके मॉडल्स पढ़े, फिर हमने उसी के अंदर जो है न्यूटन कूलिंग लॉ पढ़ा, और फिर हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज में एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। बिल्कुल इसी तरह
अब हम चूंकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो आज से हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, और इसकी जो इक्वेशंस, ये किस तरह की सिचुएशंस में अपीयर होती हैं, या किस तरह की इक्वेशंस जो हैं या फिजिकल फिनोमिना जो हैं उसमें हमें जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस हैं वो किस तरह के फिजिकल फिनोमिना में अपीयर होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगले दो लेक्चर, आज का लेक्चर भी और इससे अगला लेक्चर भी, इसी एप्लीकेशंस के हवाले से हम बात करेंगे। तो देखते हैं जी, हम यूं तो कुछ और एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, आज हम कौन सी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैव ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, हाउएवर वी एक्सप्लेन टू ऑफ देम, द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसमें हम मेजरली दो एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इनकी एप्लीकेशंस किस तरह से होती हैं। यूं तो और भी बहुत सारी जो हैं फिजिकल फिनोमेना हैं जहां ये एप्लीकेशंस या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस अपीयर होती हैं। यहां मैं फिर एक और बात भी बताता चलूं, यहां हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस ही को स्टडी करेंगे। तो अब आप देखिए कि हम बेसिकली इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन अपने जो एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे उसके अंदर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कंसीडर करेंगे। जैसे ये हमारे पास देखिए, ए डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी टी प्लस सी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, वाई जीरो इज इक्वल टू वाई नॉट, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, and this initial condition can also be written like this, y0 is equal to y0 and y dash. चूंकि हमारे पास second order differential equation है, लिहाजा दो initial conditions का होना ज़रूरी है। तो ये जो है y की value पे initial condition है, and this is the initial condition at derivative of y. Okay जी, हम जो पहली एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है स्प्रिंग मैस सिस्टम्स, या मैस स्प्रिंग सिस्टम्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो टू स्टडी द मैकेनिकल वाइब्रेशंस वी शैल स्टार्ट विद द सिंपल मैकेनिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विद अ मैस अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। To analyze this mass spring system, we need to recall two laws. अब basically हम जो सबसे पहली application पढ़ने जा रहे हैं वो है spring mass system, कि एक हमारे पास spring है उसके साथ कोई mass attach हुआ हुआ है, और वो जब mass attach होता है तो इसका मतलब है वो stretch होगा, मैं जो spring है उसमें उसकी उसको फिर अगर हम mass को यूं नीचे स्ट्रेच करें या मजीद खींचें और फिर छोड़ दें तो ये ऊपर नीचे यूं मूव करना शुरू कर देगा। इसकी इस मोशन को हम एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वो हम देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और इसी तरह फिर उसकी इनिशियल कंडीशंस कैसे सेट की जाएंगी ये भी हम देखेंगे। ताहम इस एप्लीकेशन से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, या दो लाज हैं जो ये जो स्प्रिंग मैस सिस्टम हम स्टडी करेंगे उसकी स्टडी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो हम बाकायदा जो सिस्टम स्टडी करने से पहले इन दो लाज को, या इन जो है दो लाज को स्टडी करेंगे, ताकि हम इसको लर्न करने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे या जो स्प्रिंग सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। ताहम ये हुक्स ला कर रहे होंगे तो ये भी असल में स्प्रिंग मोशन के हवाले से होता है, वहां भी इसका तज़करा होगा, यानी स्प्रिंग मैस का तज़करा हम करेंगे। ओके जनाब, हम देख रहे हैं कि हुक्स ला क्या होता है। हम सपोज कर रहे हैं कि अ मैस
M is attached to a flexible spring, is suspended vertically from a rigid support. थोड़ी देर में मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा इसकी कि हमने अब अज्यूम किया है कि एक मैस है जो एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है. वो जो स्प्रिंग है खुद से किसी रिजिड बॉडी के साथ अटैच है वर्टिकल, यानी ऊपर यूं कहीं अटैच है और नीचे ये स्प्रिंग है और इसके साथ को मैस अटैच है जी. द अमाउंट ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग इज एस, कि जब उसके साथ मैस अटैच होगा तो स्ट्रेच होगा यानी यूं, तो उसकी अमाउंट हम, उसके अमाउंट से मुराद वो जितना डिस्टेंस होगा. एक्चुअली एक होती है स्प्रिंग जब आप बिल्कुल कुछ मैस अटैच नहीं है, वो अपनी ओरिजिनल हालत में है. एक है कि जब आप उसके साथ कोई मैस अटैच कर रहे हैं तो फिर वो यकीनन नीचे को स्ट्रेच होगा या नीचे को आएगा. तो अब वो जो स्ट्रेच है उसमें उसको हम कह रहे हैं एस है. एस से मुराद यहां ये नहीं वो फासला जितना उस वो स्ट्रेच होके एक डिस्टेंस कवर करेगा या एक एक डिस्टेंस उसमें डिस्प्लेसमेंट उसमें एक्चुअली आएगा, वो उसी को हम एस कह रहे हैं. ओके, द स्प्रिंग इटसेल्फ एग्जर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स एफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एलोंगेशन और स्ट्रेच. देखिए जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो वो जो स्प्रिंग है वो वापस अपनी असल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, यानी एक फोर्स होगी जो उसको वापस ऊपर की तरफ. फॉर एग्जांपल मैं यूं अज्यूम कर रहा हूं कि वो जो हमने मैस या स्ट्रेच है वो नीचे की तरफ है, तो अब स्प्रिंग वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इसी फोर्स को, जिस फोर्स से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा इसी को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. तो हुक्स ये कहता है जी, द हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स इज, दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन एस, जो स्ट्रेच है ना इसको एलोंगेशन भी कहेंगे. सो एफ इज इक्वल टू के एस, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट. कि देखें जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेच होगा या एलोंगेशन होगा. तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन है और के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं. के को क्या कहते हैं जी, स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके, तो यहां हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ अ मैस ऑफ वेइंग 10 पाउंड्स स्ट्रेचेस अ स्प्रिंग हाफ फीट, देन दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 20 पाउंड पर फीट. कि हमारे पास जो ये था फार्मूला या हुक्स लॉ ये कहता है हमें, तो यहां अगर मैं ये फोर्स हमारे पास क्या होगी, दिस वुड बी द वेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां हम लिख सकते हैं 10 और कितना स्ट्रेच हुआ उसमें हाफ और के, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 20. नाउ अगर हमारे पास 8 पाउंड का वेट हो तो फिर स्ट्रेच क्या होगा. तो देखिए अब हमारे पास के तो 20 है, सेम स्प्रिंग है, चूंकि के हमें मिल गया 20, हमारे पास वेट है 8 एंड एस इज दिस. सो इस सूरत में हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 8/20. सो दिस वुड बी इक्वल टू 4 2s and 4 5s are feet. कि इस सूरत में ये स्प्रिंग हो उसके साथ अगर हम 8 पाउंड का वेट या मैस लट वो हैंग करें या लटकाएं तो वो कितने फीट जो है स्ट्रेच होगा, 2/5 feet. कितने फीट होगा जी, बात समझ आई. मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं. बात यह स्टार्ट यहां से हुई कि हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है उसके साथ एक 10 पाउंड का वेट लटकाया गया है तो वो स्प्रिंग जो है हाफ फीट स्ट्रेच होता है. इसका मतलब यह हुआ कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दैट इज 20 पाउंड पर फीट. ठीक, अब हम कहते हैं कि वो स्प्रिंग है उसके साथ अगर 8 पाउंड जो है वेट लटकाया जाए तो फिर उस सूरत में स्ट्रेच क्या होगा. तो हमने यहां से देखें,
हमने यहां से किया ये जो है ना ये 8 पाउंड और ये स्ट्रेच के उसका 20 आ चुका और s हमारे पास स्ट्रेच है तो यहां से हमने s की वैल्यू निकाली है ठीक है s is equal to 8 by 20 is equal to 2 by 5 feet. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. तो जो नेक्स्ट हम स्प्रिंग मास सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें भी इसकी जरूरत है. तो कहते हैं जी इफ ए फोर्स एफ एक्स अपॉन अ बॉडी द एक्सेलरेशन ए इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. कि एक बॉडी में अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है जो फोर्स की डायरेक्शन है और वो हमेशा प्रोपोर्शन होता है मैग्नीट्यूड टू द फोर्स जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के प्रोपोर्शन होता है क्या एक्सेलरेशन. तो बेसिकली पहले ये है एफ इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. ओके इसको हम फिर यूं लिख सकते हैं तो ये बनता है एफ इज इक्वल टू एम ए इसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. एम जो है दैट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स द मैस ऑफ द बॉडी और ये मैस ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो बेसिकली हमारा ये रिलेशन है कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए मैस इंटू एक्सेलरेशन. वेट वेट क्या होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी ऑफ मैस एम इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी. बेसिकली वेट जो है वो फोर्स होती है. जैसे अभी हमने जब देखे ना पिछली एग्जाम्पल की ना तो 8 पाउंड या 10 पाउंड की बात की तो वेट का था ना वहां तो हमने उसको एज फोर्स कंसीडर किया. तो यहां भी वेट जो है हमेशा एज फोर्स कंसीडर होगा. इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इट्स वेट. दस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन W इज इक्वल टू एम जी. अब ये जो G है ये आप जानते हैं A की जगह लगा है W फोर्स की जगह लग गया है M इज इक्वल टू G. तो G क्या होता है हम जानते हैं इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. Where m is measured in slugs, kilograms or grams. ये mass के different systems में units हैं. So g जो है इसे 32 feet के साथ जब कर रहे होते हैं तो 32 feet per second, r 9.8 meter per second square, and r 980 centimeter per second. अब ये तीनों systems में आपको दे दी गई हैं values कि जोन सी value आपको यानी जिस सिस्टम में आप होंगे उसके मुताबिक आप वैल्यू जी की यूज करेंगे. तो हमने अब तक तीन बातें स्टडी कर ली हुक्स लॉ क्या होता है उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और फिर इसमें फर्दर डिटेल देखी कि वेट क्या होता है. तो वेट का बेसिक रिलेशन हमने देख लिया कि वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी. अब हम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं. इसकी गवर्निंग इक्वेशन या इस फिनोमेना की गवर्निंग इक्वेशन हम ड्राइव करने जाना क्या फिनोमेना है हमारे पास. फिनोमेना बेसिकली ये है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो किसी फिक्स्ड रिजिड बॉडी से अटैच हुआ हुआ है. ये अनस्ट्रेच जो स्प्रिंग है इस वक्त इस फॉर्म में है ये आप देख रहे हैं ये अनस्ट्रेच है. इसके साथ कोई मैस अटैच किया है ये मैस इसका मैस कितना है या कोई बॉडी अटैच की है जिसका मैस क्या है एम है. ओके जब ये मैस इस स्प्रिंग के साथ अटैच होगा तो क्या होगा ये जो है स्ट्रेच होगा नीचे को आएगा. ठीक होगी बात. अब एक और चीज जहां ये आ रहा है हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेच जो इसमें हुआ है वो एस है. ये जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना स्ट्रेच की वो एस है.
इसी को हम मानेंगे मीन पोजीशन भी। ये थोड़ी देर में हम देखते हैं मीन पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, जहां अब हमने किया कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं किया, सिर्फ मास जो उसके साथ बॉडी अटैच किया ऑफ मास एम, उसने जो स्ट्रेच किया है यहां के, ये समझिए कि स्प्रिंग रुक गया है जो ही हमने उसके साथ मास या वो बॉडी अटैच किया, ठीक, जहां ये रुका इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, ये मीन पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। अब यहां एक चीज नोट करने की है कि देखिए, एक है वेट इसका, ये क्या है इस बॉडी पे इस वक्त क्या एक्ट कर रहा है, यानी ये जो बॉडी है इस पे एक तो वेट एक्ट कर रहा है, वेट किस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, और दूसरा इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, वो किस डायरेक्शन में है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेट इसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है इस स्प्रिंग को, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है, ठीक होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेट नीचे को है और रिस्टोरिंग फोर्स, अभी हमने पढ़ा हुक्स लॉ में के एक्स के इक्वल होता है, ये ऊपर की तरफ है, तो यहां आके रेस्ट पे आ गया स्प्रिंग, यहां क्या हुआ है रेस्ट पे आ गए, यानी हमने यूं लगाया और ये बस अब खड़ा है यहां मीन पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ यहां दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी जीरो, आर कहना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी, जो बॉडी है ऑफ मास एम वो बिल्कुल स्टेबल खड़ी है। ओके, इसको थोड़ा देख भी लेते हैं दोबारा, ताकि बात रिवाइज भी हो जाएगी और आप लोगों को अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी। सो सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय एन अमाउंट एस and attains an equilibrium position. At the equilibrium position, the weight is balanced by the restoring force. Thus, the condition of equilibrium is, equilibrium condition क्या होगी? कि दोनों का difference zero है, या दोनों equal हो जाएं. क्या? Weight और restoring force. अगर इनमें कोई भी difference, यानी suppose restoring force से ज्यादा है weight, तब ये नीचे को जाएगा, और अगर वेट कम है रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर को मूव करना शुरू करेगा स्प्रिंग। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जरूरी है कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में या मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जनाब हमारी कंडीशन है, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन कंडीशन या मीन पोजीशन कंडीशन, कि mg माइनस के एक्स जो है वो जीरो के इक्वल होता है। ओके, अब असल में हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये जो सिस्टम लगा है हमारे सामने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। पहले इनिशियली हमने देखा एक स्प्रिंग है जो अनस्ट्रेच है, उसकी ये पोजीशन है, उसके साथ एक बॉडी अटैच की है ऑफ मास m, वो जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया स्प्रिंग। अब अगले फेज में हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी को यू समझिए कि हमने पकड़ के खींचा है नीचे को, अब जब खींचा है तो ये कुछ मजीद इसमें स्ट्रेच होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो फर्दर स्ट्रेच जो हुआ है मीन पोजीशन से डाउनवर्ड वो एक्स है, वो क्या है एक्स है। ओके, इस एक्स की मदद से अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स, ठीक है, उसको फर्दर पकड़ा है हमने मास को और नीचे खींचा है तो वो डिस्प्लेस हो गया कितने अमाउंट एक्स अमाउंट, ओके, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड, फिर नीचे ऐसे पकड़ के खींचा है फिर उसको वहां से छोड़ दिया है, अब क्या होगा जो इन छोड़ेंगे ये ऊपर को जाना शुरू कर देगा और यूं ये ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको जो स्ट्रेच किया तो टोटल स्ट्रेच कितना हुआ, एस तो पहले ही था जो मैस अटैच होने की वजह से था, एक्स हमने जो खींचा टोटल ये होगा एस प्लस एक्स, और अब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, के टाइम्स एस प्लस एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स इसी तरह डिफाइन करते हैं, के टाइम्स हुक्स ला से, ये हुक्स ला ही अप्लाई हुआ है, क्योंकि अब स्ट्रेच टोटल कितना है एस प्लस एक्स है, के से मल्टीप्लाई किया विच इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, तो फिर हम कहते हैं जी के ये रिस्टोरिंग फोर्स है। यहां एक चीज मेंशन और हुई है, इसका भी तस्करा कर ले, ये मेन पोजीशन थी, हमने इसको नीचे खींचा, अब जब छोड़ दिया तो ये वापस ऊपर। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर ये स्ट्रेच जो है पॉजिटिव हो, इसका मतलब है जो मैस है या बॉडी जो है जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुई हुई है वो बिलो द मीन पोजीशन है, और अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, वो स्ट्रेच नेगेटिव बताया गया है, तो इसका मतलब है अब जो बॉडी है वो अबव द मीन पोजीशन है। ये बकायदा यहां एक्सप्लेन किया गया, आप गौर कीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको अगर ये इंफॉर्मेशन दी गई है जी स्ट्रेच जो है वो पॉजिटिव है कि इतनी, फॉर एग्जांपल माइनस फोर यूनिट्स स्ट्रेच है जी उसमें, तो इसका मतलब है आप बॉडी फोर यूनिट अबव है मीन पोजीशन से, और अगर कहें कि फोर यूनिट है बिलो द, फोर यूनिट कहने का मतलब पॉजिटिव है अगर, तो इसका मतलब वो बॉडी मीन पोजीशन से फोर यूनिट नीचे है। इसका मतलब ये हुआ जी कि अब हम फिर दोबारा इस पे आते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स टोटल कितनी होगी, के टाइम्स एस प्लस एक्स, सो द रिजल्टेंट ऑफ द वेट एंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज दिस। देखें अब एक तो रिस्टोरिंग फोर्स, अभी हमने कहा दो फोर्सेस थी, एक वेट नीचे को एक्ट कर रहा था उस मैस का, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है ऊपर को एक्ट कर रही है। अब हम देख चुके हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स उसकी ये है और वेट उसका mg है, वेट कितना है mg, तो अब चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स किसको अपोजिट वो डायरेक्शन में है या ऊपर की डायरेक्शन में है, वेट नीचे की डायरेक्शन में, लिहाजा इसके साथ माइनस लगाया, इसके साथ प्लस लगाते हैं, टोटल जो इस वक्त रिजल्टेंट फोर्स है वो ये है जो इस मैस पे, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ये है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है जी, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होती है वो एम ए के इक्वल होती है, किसी भी बॉडी पे अप्लाई की जाने फोर्स किसके इक्वल है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अब एक और चीज आपको पता होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले वेलोसिटी से बात करते हैं, उससे ज्यादा आसानी से बात, वेलोसिटी क्या होती है जी, वी से इसे डिनोट करते हैं, और यह होता है डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं इस वी की जगह इसकी वैल्यू रख दूं तो ए क्या होगा, डी बाई डी टी, वी की वैल्यू रख दीजिए ना, तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी, सो दिस वुड बी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, दिस वन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सो हमारे पास आ गया बाय न्यूटन्स लॉ एम इनटू, ये राइट साइड वाला हिस्सा है, इसको हमने लेफ्ट पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट पे लिखा है एम इंटू एक्सेलरेशन, मैस इंटू एक्सेलरेशन, और ये टोटल फोर्स है जो इस वक्त स्प्रिंग पे एक्ट कर रही है या अप्लाई हो रही है, तो लिहाजा ये इसके इक्वल आ गया। अब हम इसको यू भी लिख सकते हैं, माइनस के एक्स माइनस के एस प्लस एम जी, ठीक हो गया जी। अब हम जानते हैं कि एम जी माइनस के एस इज जीरो, अभी हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी, लिहाजा उसमें ये जीरो, ये टर्म जीरो कर देंगे
तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हियर यहां जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, द नेगेटिव इंडिकेट्स दैट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी नीचे को थी, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर को एक्ट करती है, तो ये नेगेटिव साइन यहां ये इंडिकेट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा अपोजिट एक्ट करती है किसके, डायरेक्शन की मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन के अपोजिट एक्ट करती है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन आर पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ये जो पॉजिटिव पोजीशन से नीचे डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव ऊपर को होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, बाय डिवाइड, अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें m से, तो ये बनेगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये है जी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अपनी आसानी के लिए हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, जबकि हमने इसको कहा जो के एम है ना, इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख लिया। इसकी कन्वीनियंस या इसकी क्या जरूरत है, थोड़ी देर में आपको खुद समझ आ जाएगी। चूंकि इधर देखें ना, वाई जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है तो इधर एम स्क्वायर होगा, इधर ओमेगा स्क्वायर, तो हम आसानी से बस उसके रूट्स को लिख सकेंगे। इसके लिए हमने इसको ओमेगा स्क्वायर कहा। अब ये जो इक्वेशन हमारे सामने लास्ट पेज पे थी, दिस इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर एज द फ्री अनडैम्प्ड मोशन। अब ये जो सारी हमने बात की है ना, ये स्प्रिंग कंसीडर की है, इसमें एक चीज हमने अजम्पशन ली कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स और किसी तरह की एक्ट नहीं कर, इसे कहते हैं अनडैम्ड मोशन, फ्री अनडैम्ड मोशन। और आपको ये भी बताता चलूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फ्री वाला मामला खत्म करेंगे, अनडैम्ड मोशन, जिसमें यानी और फोर्सेस जो एक्ट कर रही उनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल हम ये अजम्पशन लिए हुए हैं कि ये जो स्प्रिंग्स मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग जो मूव कर रहा है, ये सिस्टम जो है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही सवाए इसके वेट के, और दूसरी वो रेस्टोर वो नेचर, उसको उसके बगैर हम बात कर ही नहीं सकते। ओके, तो अभी ये गोया सिंपल केस कंसीडर किया गया है। अब जनाब ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, ये टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखा हमारे पास एक सिंपल स्प्रिंग, मैस स्प्रिंग सिस्टम था, उसको जब हमने एनालाइज किया, उसकी इक्वेशन ड्राइव की, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल हुई। तो इसका मतलब ये पहली हमारी एप्लीकेशन है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। ओके, अब चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशंस भी चाहिए होंगी, इनिशियल कंडीशंस। अब याद रखिए, इनिशियल कंडीशंस हम किस पे लेते होते हैं, टी इक्वल जीरो टाइम पे, यहां कहीं पेंशन भी हुआ तो हमने पहले भी इसका तस्करा किया हुआ है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली हमारी इनिशियल कंडीशन किस तरह की होंगी। अब यहां डिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है, जब हमने वो इक्वेशन कंसीडर की थी ना जर्नल, वहां y था, तो x यहां डिस्प्लेसमेंट है या वो स्ट्रेच है। x यहां किसको शो कर रहे, स्ट्रेच को, वो बिलो द मीन पोजीशन है या अबव द मीन पोजीशन है, वो डिपेंड करता है उसकी जो भी वैल्यू की। तो हम कहते हैं जी एट टी इज इक्वल टू जीरो स्ट्रेच इज अल्फा, या एक्स जीरो इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब है जब इनिशियली टाइम नोट नहीं किया गया, अभी इनिशियली
जो स्ट्रेच है यानी उसको यूं खींचा गया यहां पकड़ा हुआ, तो अब हम कह रहे हैं कि ये इनिशियल टाइम है उसका, टी जब जीरो है तो उस वक्त स्ट्रेच हम एज्यूम कर रहे हैं अल्फा है, और ये एक्स डैश क्या है, ये असल में इसका डेरिवेटिव एक्स का, तो ये तो स्ट्रेच का डेरिवेटिव लेंगे या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव यू वेलोसिटी। इसका मतलब है दीज इनिशियल कंडीशंस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है, ये दो इनिशियल कंडीशंस हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अब जनाब ये जो दो अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं इन पे इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर चुके। देखिए इफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, अल्फा अब स्ट्रेच है एक्चुअली, इसका मतलब अल्फा क्या है पॉजिटिव, तो अभी हमने देखा कि अगर पॉजिटिव इसका मतलब है वो जो मैस है ये बॉडी है वो मेन पोजिशन से नीचे को, बीटा इज लेस देन जीरो, बीटा वेलोसिटी है ना लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब है, पहले का मतलब है देन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि हमने जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे से शुरू, यानी उसको खींचा है नीचे की तरफ, अब हम छोड़ने लगे हैं उसको, तो हम उस वक्त से बात कर रहे हैं, ठीक होगी जी बात। अब हम कहते हैं जी इनिशियल पोजीशन विद एन इंपार्टेड अपवर्ड वेलोसिटी, कि अब अगर ये नेगेटिव है ना बीटा, ये हम देख रहे हैं कि एक्स ये बीटा वेलोसिटी को शो कर रहा है, बीटा एक्चुअली वेलोसिटी की वैल्यू है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब है वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो बॉडी ऑफ मास एम है वो इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे नीचे है और इसको हम छोड़ रहे हैं और ये बॉडी अब ऊपर की तरफ मूव करेगी विद वेलोसिटी बीटा। ओके अगर हम कहें कि इफ अल्फा इज जीरो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है एंड बीटा इज जीरो, इसका मतलब है अब बॉडी जो है वो मीन पोजीशन से ऊपर को है और उसकी वेलोसिटी इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि देखिए ना अब जब आप यूं स्प्रिंग को खींचेंगे इसको छोड़ेंगे, ये सपोज ये मेन पोजीशन है आपकी, ये इस वक्त जो ये मेन पोजीशन है इसका मतलब है यहां ऊपर को आना शुरू होगा, तो एक वक्त आएगा कि ये जो बॉडी है ये स्टॉप करेगी फिर ये नीचे को आना शुरू होगी, सही है ना, तो इसी को उस सूरत में अल्फा नेगेटिव होगा, चूंकि नेगेटिव अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है कि अब जो बॉडी है वो मेन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर है, और बीटा जीरो कहने का मतलब उसका ये है कि अब ये बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक होगी जी बात, कितना रेस्ट कहां से अल्फा यूनिट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बहुत तवज्जो से सुननी है और इनको बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी आसान होंगे करने, वरना इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, चूंकि इसमें पूरी फिजिक्स साथ चल रही है और फिजिक्स इन्वॉल्व है, लिहाजा फिजिक्स का पता होना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी हमने अभी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप जानते होंगे क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन जो होती है ना, टू एंड फ्रो मोशन या ऊपर नीचे मोशन, टू एंड फ्रो यूं होगी लेफ्ट राइट को ऐसी मोशन, जैसे वो पेंडुलम की मोशन आपने पढ़ी भी होगी और आप जानते भी हैं, तो घड़ियों का पेंडुलम जैसे चल रहा होता है यूं यूं, तो वो भी क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन होती है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक किस्म होती है। ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं बाकायदा, उसके लिए भी इक्वेशन ड्राइव होती है और उसमें भी वो टाइम पीरियड और इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, मेन पोजिशन का तस्करा वहाँ भी होता है। तो अब हम आगे चलते हैं जी, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, उसके इनिशियल कंडीशंस के बारे में भी बात कर ली, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप देखिए, तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या उस जो सिस्टम ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम है उसकी
गवर्निंग इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं इसको, वो ये है। तो अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं इसमें। कोफिशिएंट्स कौन से? कांस्टेंट हैं। तो यहां हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से कैसे लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से m की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। तो हम जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, तो जब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स और रूट्स आ जाएं कॉम्प्लेक्स, तो हम सॉल्यूशन इस तरह लिखते हैं। अब यहां y नहीं लिखना क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल x है, लिहाजा x लिखेंगे। तो x ऑफ t इज इक्वल टू c1 cos ऑफ ओमेगा t प्लस c2 sin ऑफ ओमेगा t। तो ये तो आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो कोई मसला नहीं है आपको इसका सॉल्यूशन लिखना। हाँ जी, अब इसी सॉल्यूशन को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी या क्यों ही यही सॉल्यूशन ठीक है, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ एडवांटेज हासिल हो जाता है हमें इस तरह से जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ दी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दी सॉल्यूशन। उसके लिए क्या कर रहे हैं जी कि हम कहते हैं ये जो कॉन्स्टेंट सी वन है इसको a साइन फाई के इक्वल रख लीजिए और c2 कांस्टेंट को हम अज्यूम करते हैं a cos फाई रख लेते हैं, वेयर a कामा फाई बिलोंग्स टू r, यानी ये रियल वैल्यूज हैं या ये रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये देखें ना फाई ये कोई एंगल होगा, वैल्यू ही होगी। और इसी तरह a जो है ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड कहलाता है, अभी हम देखेंगे। तो ए और फाई जो हैं दोनों आर को बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों का अगर मैं ये जो आपने एज्यूम की ना ये रिलेशंस, इन दोनों का स्क्वायर करें और सम करें तो ये आप जानते हैं हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, सी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये साइन होगा काज होगा, ये देख लेते हैं, हाँ जी साइन ही है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस सी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर जी। इसमें ए स्क्वायर आ जाएगा और इसमें भी ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, क्योंकि सी वन को रखा था ना इसके इक्वल। ओके, तो यहां से हमें ए स्क्वायर मिल जाता है, दिस इज सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं और इसी तरह टेन फाई को ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या बना, ये जो सॉल्यूशन था जो जनरल फॉर्म में हमने पहले लिखा था C1 इस फॉर्म को, अब हम इस वाली फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं, x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, ए इज द यहां होना चाहिए था इसको एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड फाई इज द फेज एंगल। ए एम्पलीट्यूड क्या लाता है ऑफ द वेव और फाई क्या कहलाता है जी, इज द फेज एंगल। ओके, हियर वी कैन सी द यूजफुलनेस ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अब स्ट्रेट वे यहां देखें इस सॉल्यूशन में ए हमें एक्सक्लूसिवली अलग से मिल जाता है, तो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्री वाइब्रेशन बिकम्स ऑब्वियस। ओके, दूसरा क्या होता है, द टाइम्स when the body crosses the equilibrium position are given by, देखें हमारे पास ये जो है ना ये वो displacement है जो नीचे हमने उसको खींचा तो वो क्या थी, mean position से नीचे है। अब हम ये भी यहां से फौरी तौर पे बता सकते हैं इस equation से कि वो कितनी दफा mean position से गुजरा, उसके लिए क्या करना होगा, असल में उसका ना पीरियड देखना होगा कि कितना पीरियड है उसका। ओके, तो हम देखते हैं जी, अगर
इसको जीरो रखें, इसका मतलब है जीरो रखने का मतलब है जो बॉडी है वो वापस कहां पहुंच गई है, एक्स को जीरो रखने का मतलब क्या है कि बॉडी वापस मेन पोजीशन पे पहुंच गई है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको जीरो रखूं तो दिस वुड बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हैं कि साइन कहां जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है। ये साइन इनवर्स जीरो एक्चुअली होता है पाई, तो हम एन पाई जो है इसलिए लिखते हैं को पाई के मल्टीपल पे भी जीरो होता है, यानी टू पाई थ्री पाई फोर पाई जितने भी पाई के मल्टीपल होंगे सब पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो इसलिए यहां लिखा है ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह फाई हम फेज एंगल निकाल सकते हैं, तो the quadrant in which phi lies is determined by the signs of C1 and C2. ये C1, C2 से पता चल जाता है किस quadrant में है। It is evident from the equation, कौन सी equation है? यहाँ number नहीं है, that the motion of the mass in an undamped free system is simply sine wave or simply the harmonic motion. कि हम फिर ये जो इक्वेशन हमें मिली है ना, ये देखें ये वाली, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि यहां से क्या मिला कि ये जो मोशन है ये सिंपली एक हार्मोनिक मोशन है या साइन वेव मोशन, यानी इस तरह की मोशन आ रही है इसमें ना, ये साइन वेव मोशन है। ठीक है, इस ये आपकी बुक में ना इसका फिगर भी बकायदा बना हुआ है, वहां आप जरा इसको देखिएगा। ओके, तो साइन फाई इज इक्वल टू सी वन ए ओवर ए एंड कॉस फाई, ये हम यहां से लिख सकते हैं। जी टाइम पीरियड इसका क्या है, टाइम पीरियड पता है ना क्या होगा, द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री वाइब्रेशन गिवन बाय, कि एक यूनिट टाइम में या एक पूरा चक्कर काटने को, एक पूरी वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लेता है ना कोई कोई सिस्टम या कोई वो जो बॉडी है उसको उसका टाइम पीरियड का, तो यहां पे हमारे पास टाइम पीरियड होगा जी टू पाई ओवर ओमेगा। क्या होगा? टू पाई ओवर ओमेगा। एंड एफ इज इक्वल टू, ये असल में ना इसी इक्वेशन से आया, देखिए ये हमने ये जो लिखा था ना, ये जो लिखते हैं इसी से बन सकता है एन पाई, चूंकि इसका साइन वेव का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, टू पाई होता है, तो हमें ओमेगा से यहां डिवाइड करना होगा, तो इस तरह से हमें ये मिल जाता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई ओवर ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन ओवर टी, यानी ये रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो यूनिट टाइम में कोई बॉडी जो करेगी या जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो करेगा, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो लिहाजा इस जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन आई है किसकी, स्प्रिंग की, स्प्रिंग मास की, उसमें टाइम पीरियड हमारा ये हुआ करेगा टू पाई ओवर ओमेगा, और जो टाइम पीरियड है दैट वुड बी एफ इज इक्वल सॉरी फ्रीक्वेंसी इज एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं इसमें, देखिए तो पहली एग्जांपल है जी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो इज इक्वल टू टेन एंड एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व एंड इंटरप्रेट, इसको इंटरप्रेट भी करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। द मैस ऑन स्प्रिंग पुल्ड डाउन 10 यूनिट्स बिलो The equilibrium position. देखिए यहां अब ये इंटरप्रेट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को कि इसमें है क्या, क्या सिस्टम है। बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि इनिशियली ये जो सिस्टम है इसमें 10 जो यूनिट बिलो है फ्रॉम द मीन पोजिशन, और उसमें उस स्प्रिंग के साथ एक
जो मैस अटैच है वो 10 किलोग्राम है व्हाट्स एवर द यूनिट्स आर. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जो पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये मीन पोजीशन से 10 यूनिट नीचे को है. ठीक, होल्डिंग इट अनटिल टी इज इक्वल टू जीरो देन रिलीजिंग इट फ्रॉम द रेस्ट. ये जो कंडीशन है ये बता रही है कि इस सिस्टम को यूं पहले खींचा गया है, फिर इसको पकड़ा हुआ है, और एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो उसको हम जिस टाइम पे इसको छोड़ेंगे उसको हम क्या कह रहे हैं, टी इज इक्वल टू इनिशियल टाइम कह रहे हैं. तो गोया ये जो हमें ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है ये बेसिकली एक स्प्रिंग है जिसके साथ 10 पाउंड का या जो भी उसके यूनिट है वो मैस अटैच है. अच्छा, अब वो मैस जो है वो स्प्रिंग जो है इस तरह से है कि मीन पोजीशन से 10 यूनिट नीचे है और इनिशियली हमने उसको पकड़ा हुआ है और अभी टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे हम कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी जीरो, उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे. ओके, इसके बाद आप देखिए तो हमारे पास के यहां क्या है जी, हियर के इज इक्वल टू 16. चूंकि असल में ना पहले ये इक्वेशन कंसीडर हो रही है के टाइम्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लिहाजा यहां से मैंने के करा. ओके जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर प्लस 16 एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा एक्स टी. देखिए इसके ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, लिहाजा इसका सोल्यूशन ये होगा c1 cos 4t प्लस c2 sin 4t और x डैश इसका डेरिवेटिव ले लिया यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस. के पहली कंडीशन कि जब x t 0 है x 10 है तो यहां रखेंगे तो आपको c1 की वैल्यू 10 आ जाएगी. दूसरी जो कंडीशन है उसको इसमें यूज करेंगे तो यू विल गेट c2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो आ चुका इस फॉर्म में, x इज इक्वल टू 10 cos 40 वेयर ओमेगा यहां क्या है 4. तो एक्स टी इज इक्वल टू 10 इसको यूं भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. ठीक है जी, तो लिहाजा इसको ना काज को साइन फॉर्म में लिख दिया गया है, साथ पाई बाय 2 लिख लिया गया है, ये वो फाई है फेज एंगल आपने. ठीक है, देखा ना हमने थोड़ी देर पहले जो अल्टरनेट फॉर्म लिखी थी असल में ये खुद बहुत ही उस फॉर्म में आ चुका है सॉल्यूशन. तो इसका टाइम पीरियड क्या है जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा चूंकि 4 है लिहाजा पाई बाय 2 है. दिस इंप्लाइज that the wave repeats after every pi by 2 interval, कि वो जो ऊपर नीचे आ रहा है वो हर pi by 2 interval के बाद repeat हो रहा है. ठीक है जी, एक और example है, for the motion described by this find the first value of the time for which the mass passes through the equilibrium position heading downwards. कहते हैं ये अब solution उसने दे दिया है कि एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है उसमें जो मोशन हो रही है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस इक्वेशन से दिया गया है. कहते हैं आप बताएं कि फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच द मैस पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन हेडिंग डाउनवर्ड्स. तो वो कहता है बताएं कि वो नीचे को जाते हुए कब पहली दफा क्या होगा, मीन पोजीशन से गुजरेगा. तो उसके मीन पोजीशन में एक्स टी क्या होता है जीरो, इस सारे को जीरो रख दिया, इसका मतलब है यहां से साइन ये जो है ना ये तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, फिर ये साइन इनवर्स, तो लिहाजा ए टी प्लस दिस एंड दिस क्या हो गया जी एन पाई. यहां से फॉर एन इज इक्वल टू 1 वेयर एन क्या है 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. इसका मतलब है फॉर एन इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू टी वन, इसका मतलब है टी वन की वैल्यू यहां इज इक्वल टू पाई माइनस दिस इज 0.166. इसका मतलब है दूसरा टाइम क्या है जी, t इज इक्वल टू 2
ये हमने कैलकुलेट कर लिए उसी फॉर्मूले से. टी टू इज द फर्स्ट टाइम दैट द मैस पासिस थ्रू एक्स इज इक्वल टू जीरो हेडिंग डाउनवर्ड्स. देखें जब हम मैस को हम यू अज्यूम कर रहे हैं कि मैस को जो बॉडी है उसको नीचे खींचा स्प्रिंग कांस्टेंट को मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, अब हम छोड़ रहे हैं उसको, तो ये जो ऊपर को गया तो पहले मीन पोजीशन क्रॉस की. हमारा क्वेश्चन ये था कि ये डाउनवर्ड आते हुए पहली दफा कब वो करता है, तो वो टी टू है. टी वन क्या है, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा था उस वक्त जो उसने क्रॉस किया ना मीन पोजीशन को, टी टू वो टाइम, टी वन वो टाइम है, टी टू अब वो टाइम है जब वो नीचे को आ रहा है तो मीन पोजीशन को जो है वो क्रॉस कर रहा है. तो इसका मतलब है टी टू इज एक्चुअली आवर आंसर, 0.558 सेकंड्स पे के बाद वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा जब वो नीचे आ रहा होगा. जी एक और एग्जांपल है, द पीरियड ऑफ द फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ऑफ मास ऑन स्प्रिंग इज पाई बाय 4 सेकंड. अब टी दे दिया गया जी टाइम पीरियड. इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 12, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेट. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेट, वेट क्या बन होता है, एम जी, जी तो मुझे पता है, तो मुझे तो एम चाहिए. ठीक, तो के उसने बता दिया हमें इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 12, के जो है यहां चले 16 कर देते हैं क्योंकि आगे वो ना 16 के साथ हुआ हुआ है सारा प्रॉब्लम. स्प्रिंग कांस्टेंट इज 16 अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, नॉट 12, 16 पाउंड पर फीट, एल बी जो है पाउंड के लिए होता है. ओके, तो अब हमारे पास जी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 16 एक्स इज इक्वल टू जीरो, हम जानते हैं इसका सोल्यूशन ये होता है, जनरल सोल्यूशन है वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 4/√m. अब ये देखें m हमने क्यों लिखा यहां, चूंकि m मुझे चाहिए था, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बेसिकली ये क्या होता है, k बाई m होता है ना इसका, बल्कि हमने स्क्वायर रूट लिया है, क्या लिया है स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास चूंकि 16 बाई m था तो ये बनाया है 4/√m. अब भाई यहां ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 4/√m. अब हम जानते हैं t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, अब ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दी, ये बन गई फिर √m इंटू पाई ओवर 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा ना यहां से. ओके, तो हमें ये भी गिवन है कि t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो लिहाजा मैं क्या करता हूं, अब जनाब t की जगह पाई बाई 4 रखें, तो ये आप देखिए हमारे पास ये वैल्यू है पाई बाई 4 इज इक्वल टू t, हमने यही निकाला है ना अभी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट m इज इक्वल टू 1/4. तो m मेरे पास आ गया, g मुझे पता है फीट पर सेकेंड वाला 32 यानी लिखेंगे तो w इज इक्वल टू एम जी होता है 1/4, 32 इज इक्वल टू 8 पाउंड, वेयर g इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. तो उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ आई होगी. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, आपने यही प्रॉब्लम ना रिपीट करनी है फॉर 12, ठीक है, ये जरा व्हेन k इज 12 रिपीट दिस प्रॉब्लम. इस तरह आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये जरूर कीजिएगा, आसान है, जहां 16 है वहां 12 आ जाएगा तो √12 आ जाएगा, फिर उसको 2√3 लिख के इस तरह से आगे बात को बढ़ाया जा सकता है, तो होपफुली आप इसको कर सकते हैं. ओके जी, हमारी एग्जांपल है 4 a 64 pound वेट अटैच टू एंड टू द एंड ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इट 0.32 फीट.
कि एक स्प्रिंग के साथ 64 पाउंड का वेट अटैच किया गया है जो उसको स्ट्रेच करता है कितना 0.32 फीट फ्रॉम ए पोजीशन 8 इंच अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन. कि ये अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन था 8 इंचेस, उसको ये स्ट्रेच कर रहा है 0.32 फीट. द वेट इज गिवन ए डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 5 फीट पर सेकंड. यानी उस वेट अटैच करने की वजह से उसमें एक इनर मोशन आएगी. तो वो बता रहे हैं जी कि वेलोसिटी जो है वो 5 फीट पर सेकंड है. पहली बात तो ये कहते हैं आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ मोशन. तीसरे नंबर पे हमने हाउ मेनी कंप्लीट वाइब्रेशंस विल द वेट हैव कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 3 पाई सेकंड्स. इतने पाई सेकंड यानी इतने सेकंड के बाद उसने कितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल की हैं. एट व्हाट टाइम डज द वेट पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन हेडिंग डाउनवर्ड्स फॉर द सेकंड टाइम. ये वही प्रॉब्लम जो हमने थोड़ी देर पहले की है. एट व्हाट टाइम डज द वेट अटेन इट्स एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द पोजीशन. यानी ऊपर वो कितना एक्सट्रीम हासिल करता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे कितना हासिल करता है, ये दोनों बातें बतानी है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वेट एट टी इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3. तो यहां वेट हमारे पास है जी 64 वेट होता है एम जी एक्स. डिस्प्लेसमेंट वो है हमें दे दिया गया वो 0.32 है. तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स. यहां से हमें मिला एफ. अब वेट एक्चुअली फोर्स क्या है इस वक्त, वेट है तो एफ 64 है, एक्स 0.32 है. इसको सॉल्व कीजिए यू विल गेट के इज इक्वल टू, इसका मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है इस स्प्रिंग का 200. इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया एम. एम क्या है, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी. सो 64/32 इज इक्वल टू 2. तो हमारी इक्वेशन क्या होती है जी एम डी टू वाई डी सॉरी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्या था जी के टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0. तो अब देखें इससे फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं. हमने एम की जगह 2 रखा और के की जगह 200 रखा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है. 2 से डिवाइड कर दीजिए ये आ गया हमारे पास. अब हम यहां से इनिशियल कंडीशंस भी बना सकते हैं कि इनिशियली वो कितना था क्या कहते हैं उसको. आप देखिए ये फ्रॉम ए पोजीशन 8 इंचेस. तो इनिशियली उसकी जो पोजीशन थी 8 इंचेस थी अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इसका मतलब है यहां ये बात आ गई कि यहां नेगेटिव जरूर आएगा, अबव है ना. ओके और ये चूंकि इंचेस में दिया है तो इसको हमने 12 से डिवाइड करके फीट में ट्रांसफर कर लिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टी 0 था उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है अबव द मीन पोजीशन है और वो 8 इंचेस है और विच इज एक्चुअली इक्वल टू -2/3 फीट. और माइनस किस वजह से लगाया, क्योंकि पोजीशन अबव द मीन पोजीशन है उसकी. इसी तरह उसकी वेलोसिटी क्या बताइए 5 फीट पर सेकंड. तो लिहाजा इनिशियली उसकी वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 जो है वो 5 है. देखें उसी प्रॉब्लम से हमने अब क्या किया, इनिशियल कंडीशंस भी निकाली है. लिहाजा पूरा प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो चुका है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दीज आर द इनिशियल कंडीशंस. करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है जी, एम स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0. इसके ये रूट्स आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. सॉल्यूशन क्या होगा, C1 cos ऑफ 10t प्लस C2 sin ऑफ t 10t एंड देन x डैश फाइंड कर लिया, वो डिटरमिन कर ली वैल्यूज हमने जी x -2/3 cos 10t प्लस हाफ. तो अब हम इसी तरह एज्यूम कर रहे हैं, अल्टरनेट फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहे हैं. तो a sin अल्फा एज्यूम कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है ना, पहले कांस्टेंट को एक साइन अल्फा ए साइन अल्फा और दूसरे कांस्टेंट को एक कॉज अल्फा सपोज कर रहे हैं.
ये जब सिंप्लीफाई करेंगे ए हमारे पास 5/6 आ जाएगा और ये फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म होगी 5/6 साइन 10t प्लस 5। सिंस साइन फाई इज लेस देन जीरो एंड कॉस फाई इज पॉजिटिव, आप गौर कीजिए, तो यहां सी वन चूंकि एक नेगेटिव था ना, यहां से साइन फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, और कॉस फाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, लिहाजा हम कह सकते हैं ये नेगेटिव, इसका मतलब फाई लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन इनवर्स सी वन और सी टू क्या होगा, माइनस 0 पॉइंट, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, लिहाजा जीरो माइनस 0.927। तो एक्स टी हमारा ये सोल्यूशन है जी अल्टरनेट फॉर्म में। इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, ये ए होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है 5/6 फीट। टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज़ इक्वल टू 2 ओवर ओमेगा, ओमेगा हमारे पास क्या है 10 है, लिहाजा 2π/10π/5। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/T 5π साइकल्स पर सेकंड। इसी तरह जब पूछा था कि जब 3 वो पाई टाइम गुजर जाए तो फिर क्या होगा, तो 3π इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी, यू विल गेट, तो 3π × 5π, ये इसका टाइम पीरियड आया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी सॉरी आई हुई है, तो 5π से मल्टी, तो इसका मतलब है 3π सेकंड में वो 15 साइकिल मुकम्मल कर चुका होगा, उसे सिस्टम है ये जो भी मैस अटैच है 15 साइकल्स मुकम्मल कर चुका होगा। अब वो टाइम निकालना है जी कि वो पहली दफा कैसे, यानी जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो कब वो करेगा मीन पोजीशन को क्रॉस, तो टी इज इक्वल टू टी वन, एन इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू टी वन और एन इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू, और टी क्या होगा जी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 5/6। हमने टाइम निकालना है, हाँ ये वो टाइम है जी टी टू और टी वन, ये टाइम है, यानी पहली दफा वो 0.166 पे और दूसरी दफा वो इस टाइम पे उसको क्रॉस करेगा। फिर हमने वो टाइम निकालना है, ये मैं जरा आपको दोबारा से दिखा दूं क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम, ये तो हो गया ना, हाँ एट व्हाट पोजीशन डज द वेट अटेन इट्स एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम कह रहे हैं जी उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी 5/6, तो हमने एक्चुअली टाइम निकालना है, ठीक होगी बात, तो हमने क्या निकालना है टाइम, एम्पलीट्यूड एक्चुअली क्या होता है उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन 5/6 का टाइम निकालना है तो 5/6 रख दी एक्स की जगह, ये 5/6 साइन और टी हमने फाइंड करना है। अब ये 1 हो जाती है राइट साइड पे, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कहां होता है, जितने ऑड मल्टीपल π/2 के होते हैं उस पे, लिहाजा एक तो π/2 पे होता है ना, और इसके जितने ऑड मल्टीपल जैसे 3π/2 है और इसी तरह 5π/2 है और यूं ये सिलसिला चलता रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -0.597 फीट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वेट एट टी इज इक्वल टू 3, तो जब टी 3 होगा ना तो उस वक्त हमने बताना है उसका क्या, ये टी आप देखें ये 3 रखा उसी इक्वेशन में, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया, तो ये होगा उस वक्त उसकी पोजीशन बिलो नहीं होगी अबव होगी, ये गलती से लिखा क्योंकि हम जानते हैं जब एक्स नेगेटिव हो तो मीन पोजीशन से अबव होता है, तो यहां लिखेंगे अबव द मीन पोजीशन, और एक्स टी इज इक्वल टू 5/6 10 कॉज, उस वक्त वेलोसिटी क्या है ये देखना है ना, तो पहले हमने जो हमारा सोल्यूशन था ना एक्स टी निकला था उसका डेरिवेटिव फाइंड किया और एट टी इज इक्वल टू 3 उसको वैल्यूएट किया, तो ये अब ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जो हम बात लिख रहे थे ना टी इज इक्वल टू वो नीचे को है सही, ये क्या है बिलो अबव है, हाँ टी ये अब फिर ऊपर को ये भी जा रहा है, ठीक है, चूंकि नेगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि ये अबव द मीन पोजीशन है, पॉजिटिव साइन शो करता है कि
एक्स अगर पॉजिटिव हो तो वो बिलो द मेन पोजीशन होता है। तो यूं आपका ये प्रॉब्लम मुकम्मल। इसको ज़रा प्लीज़ तवज्जो से देखिएगा, लेंथी प्रॉब्लम है, केयरफुली कीजिएगा तो आपको ये मुश्किल है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आज इसीलिए एक ही एप्लीकेशन पे एम्फेसिस किया। फर्दर जो एप्लीकेशन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आप अपने जो चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.1 उसमें से पहले 5-6 प्रॉब्लम्स जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ हमने प्रैक्टिस की है तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। एप्लीकेशन द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, उस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम पढ़ा। उसके लिए हमें हुक्स लॉ की ज़रूरत थी, न्यूटन्स लॉ की ज़रूरत थी, तो हमने ये दोनों लॉज पहले पढ़े। फिर हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को कंसीडर किया, उसकी फिर हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन और उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म लिखी और उसका एडवांटेज भी लिखा कि देखा कि उसके अल्टरनेट फॉर्म में क्या एडवांटेज है, हम क्यों लिखते हैं। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको बहुत केयरफुली करना है, मुश्किल हैं चीज़ें, इतनी आसान नहीं है। इसमें फिजिक्स भी चूंकि इन्वॉल्व होती है, जब भी एप्लीकेशन की बात होती है तो ये अब प्लस माइनस और इन्हीं यानी अब फिजिकली उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे देखें कि जब प्लस है तो इसका मतलब बिलो द मीन पोजीशन है, माइनस है तो अबव द मीन पोजीशन है, अगर एक्स जीरो है एट सम टाइम जीरो तो इसका मतलब मीन पोजीशन पे है, अगर इसी तरह वेलासिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो नीचे को आ रहा है, अगर जो बॉडी है अगर वेलासिटी नेगेटिव है तो ऊपर को जा रही है। तो इस ये अब देखें ना, ये फिजिक्स चेंज हो जाती है थोड़े से उससे साइन के फर्क से या इस तरह। तो इसको बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। आप इसे तवज्जो से पढ़िए और अपनी बुक भी पढ़िए, जो मैंने बातें बताई उनको तवज्जो से जो है बार बार, चाहे आपको जो है रिपीट करना पड़े, इसको रिवाइंड करके देखना पड़े, रिवर्स करके देखना पड़े और फिर गौर से उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर जाके कहीं आप बहुत तवज्जो करेंगे तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो उम्मीद है आप जो है इसी इस लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।